मसकली के सफर पर स्वागत है आपका। मैं हूँ आपके साथ नफीसा खान। दोस्तों, गर्मियों के मौसम में चिलचिलाती धूप और गर्मी से राहत पाने के लिए ठंडा पानी पीना भला किसे पसंद नहीं होता है। धूप में घंटों तक रहने के बाद जब आपका गला सूख जाता है, प्यास लग रही होती है और पसीना टपक रहा होता है, तो घर में घुसते ही मन करता है ना कि फ्रिज में से बॉटल निकाल कर तुरंत पानी पी लें। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि गर्म मौसम में ठंडा पानी पीना आपके लिए कितना फ़ायदेमंद है? क्या सच में आपकी प्यास बुझाने वाला फ्रिज का ठंडा पानी आपकी सेहत को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाता है? क्या आप कितनी भी मात्रा में ठंडा पानी बिना किसी परेशानी के पी सकते हैं? जबकि सच्चाई ये है कि फ्रिज का ठंडा पानी कई तरह के नुकसानों का कारण बन सकता है। आइए जानें कि फ्रिज का ठंडा पानी आपके स्वास्थ्य के लिए क्यों और कैसे नुकसानदेह होता है। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि फ्रिज का ठंडा पानी और किसी भी तरह के ठंडे ड्रिंक्स पीने से रक्त वाहिकाएं सिकुड़ने लगती हैं, जिसकी वजह से पाचन में समस्या होने लगती है। दरअसल ठंडा पानी पाचन के दौरान पोषक तत्वों के अवशोषण की प्राकृतिक प्रक्रिया में बाधा डालता है। जब हम खाने के तुरंत बाद ठंडा पानी पीते हैं तो खाना पचाने वाली जठराग्नि बुझ जाती है, जिससे खाना पचाने में वक्त लगता है। ठंडा पानी पीते ही शरीर तापमान को नियंत्रित करने में व्यस्त हो जाता है, उसका ध्यान पाचन से हट जाता है। बात करेंगे कि आपकी प्यास बुझाने वाला ठंडा पानी कैसे आपको डिहाइड्रेट कर सकता है। जी हाँ, फ्रिज का ठंडा पानी पीने से शरीर में डिहाइड्रेशन हो सकता है, क्योंकि आपका शरीर इस तापमान को नियंत्रित करने के लिए ज़्यादा ऊर्जा खर्च करता है, जो शरीर में पानी की कमी का कारण बन सकता है। जब भी गर्मियों में आप पानी का सेवन करें तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपको हमेशा, खासकर जब आपको तेज प्यास लगी हो, तो नॉर्मल टेम्परेचर के पानी का ही इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे शरीर में पानी की कमी ना हो। इसके साथ ही फ्रिज का ठंडा पानी आपके सिर दर्द और गले में खराश का कारण भी बन सकता है। जी हाँ, भले ही गर्मी अपने चरम पर क्यों ना हो, फ्रिज में रखा ठंडा पानी आपके सिर दर्द और गले की खराश की वजह बन सकता है, खास तौर पर जब आप तेज धूप से आकर तुरंत ठंडा पानी पी लेते हैं, तो ठंडे और गर्म की वजह से आपको गले में खराश और बंद नाक की समस्या हो सकती है। खास तौर से खाना खाने के तुरंत बाद ठंडा पानी पीने से आपके श्वसन तंत्र में बहुत ज़्यादा बलगम बनता है और ये लंबे वक्त के लिए गले की खराबी का कारण बन सकता है। कई बार फ्रिज का पानी पीने से आपके शरीर का तापमान भी बढ़ जाता है और वायरल का खतरा भी हो सकता है। जब हम खाने में वसा लेते हैं, फैट लेते हैं, तब इसे तोड़ने में वक्त लगता है और इसे पचाने के लिए ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत होती है। एक्सपर्ट्स की माने तो खाने के तुरंत बाद ठंडा पानी पीने से उन खाद्य पदार्थों की चर्बी जम जाती है, जिससे आपके शरीर के लिए उस वसा को तोड़ना मुश्किल हो जाता है। खाने के बाद कम से कम 30 मिनट तक पानी पीने से बचना चाहिए और फ्रिज का ठंडा पानी तो बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए, यह आपकी सेहत के लिए काफ़ी नुकसानदायक हो सकता है। दरअसल ठंडा पानी हृदय गति को कम करने के लिए भी जिम्मेदार होता है। ये कपाल तंत्रिका को उत्तेजित करता है, जिसे वेगस तंत्रिका कहा जाता है। ये शरीर के स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का एक इम्पॉर्टेंट अंग है और हृदय गति को कम करने में मध्यस्थता करता है। ठंडा पानी पीने से तंत्रिका उत्तेजित होती है, जिससे हृदय गति कम हो जाती है। इसीलिए एक्सपर्ट्स हमेशा सामान्य तापमान का पानी पीने की सलाह देते हैं। अब बात करेंगे कि ठंडा पानी आपके दांतों को कैसे नुकसान पहुंचा सकता है। कई बार फ्रिज के ठंडे पानी के इस्तेमाल से आपके दांतों में सेंसिटिविटी जैसी कई समस्याएं हो जाती हैं। ठंडा पानी दांत में तेज दर्द की वजह बन सकता है। इन सभी कारणों की वजह से आपको गर्मी के मौसम में भी फ्रिज के ठंडे पानी को पीने से बचना चाहिए। हालांकि ये सब लोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन जितना आप कर सकें उतना आप ज़रूर करें। तो कैसे लगी आपको आज की जानकारी? अगर थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक मसककली को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें मसककली के साथ। शुक्रिया।